हैं। तो आपने क्या करना है, एसक्यूएल लिखना है यहाँ पे और कमांड लाइन ओपन करनी है आपने, माई एसक्यूएल कमांड लाइन, ठीक है, ये ओपन करनी है। इसका पासवर्ड आपका खुद का होगा जो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे दोगे। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली कमांड थी शो डेटाबेसेस, डेटा बेसिस, तो ये हमारे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस शो कर देगा। अगर हमने यहाँ पे डेटाबेस को किसी को यूज करना है, जस्ट लाइक यहाँ पे है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन स्कीमा, DBAVS किशोर, है ना, ये सारे डेटाबेस है। तो इसमें से अगर हमने कोई डेटाबेस यूज करना है तो हम लिखेंगे यूज और डेटाबेस का नाम। अदरवाइज हमने अगर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट डेटा बेस माई स्टू, ठीक है, मैंने एक बना दिया माई स्टूडेंट्स, है ना। तो एक रो अफेक्ट हो गई, तो शो डेटाबेस फिर से कर लो। तो ये देखिए माई स्टू नाम का डेटाबेस, एम वाले अगर शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो छठा सातवां रिकॉर्ड है माई डेटाबेस, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप करना चाहते हैं यूज माई स्टू, ये आपका डेटाबेस है, तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब इसके अंदर कोई टेबल क्रिएट करना है तो क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं बेटा, समझ लो क्विकली रिवाइज है, क्रिएट टेबल स्टू डिटेल, या कुछ भी आप टेबल बना सकते हो स्टू डिटेल्स। इसमें आज मैं कुछ और भी ऐड करवाऊंगा, नेम रोल नंबर, कितना है, सॉरी रोल नंबर किस टाइप का होता है, इंटीजर का, और इसको प्राइमरी भी दे देते हैं हम, प्राइमरी प्राइमरी की बना दी इसकी, कॉमा। अब इसके बाद नेम, वेर कैर कितना 30 लेंथ हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, और इसको नॉट नल का मतलब ये खाली नहीं रहना चाहिए, कॉमा। फादर नेम, एफ नेम कर देते हैं इसको, मीन्स फादर नेम, वेयर केयर इसको भी 30 कर देता हूं मैं, कॉमा, मोबाइल इसको भी वेयर केयर कर देता हूं। आज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी ऐड करेंगे, वेयर केयर कितना करता हूँ, मोबाइल नंबर को 10 कर देता हूँ, एंड डीओबी, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए आप डेटा टाइप यूज करोगे डेट, डेट, एंड डी ओ ए मतलब ये डेट ऑफ एडमिशन, या आप इसको कैपिटल भी कर सकते हो, डी ओ ए डेट ऑफ एडमिशन, तो इसको भी डेटा टाइप दोगे डेट। उसके बाद इसको बंद किया, सेमी कॉलन लगाया और एंटर किया, क्या दिक्कत है, क्रिएट टेबल टेबल की स्पेलिंग गलत है, खाली क्लास लग रही है। देखिए यहाँ पे आया जीरो रो अफेक्टेड, तो यहाँ पे चेक करते हैं शो टेबल्स, तो इसके अंदर बन चुका है बेटा टेबल्स। और इसको अगर आपने चेक करना है भी, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्राइब टू डिटेल्स, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, डिटेल्स नहीं है डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने उसको दिया था, देखिए मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था और फादर नेम को और नेम को नॉट नल किया था, वो नो है, बाकी सारे नल हो सकते हैं। तो ये मेरा टेबल बन चुका है ना। अब इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट, ये सिर्फ कल वाला रिकॉर्ड कल वाला है, इंसर्ट इन टू स्टू अंडरस्कोर डिटेल, स्टू डिटेल के अंदर आप सीधा डायरेक्टली वैल्यूज डाल सकते हो, वैल्यूज वैल्यूज, रोल नंबर 1 है और नेम है रोहित, फादर नेम है रमेश कुमार, एंड उसके बाद है यहाँ पे मोबाइल नंबर, भी हमने वेर कर लिया था, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम, डन। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैसे डालनी है, देखो DDMM बाई बाई, ठीक है, बाई बाई, तो यहाँ पे देखिए 16 जीरो
08/2010, तो ये आपकी डेट ऑफ वो हो गई, और डेट ऑफ एडमिशन भी यहाँ पे डाल देते हैं 25/2/2013। इसको बंद किया, सेमीकोलन लगाया, एंटर किया, कहीं पे दिक्कत है? इंसर्ट इनटू स्टूड डिटेल वैल्यूज 1 रोहित रमेश कुमार दिस, हाँ जी, डेट जो है डबल इन्वर्टेड कोमा में डालनी थी, इसीलिए एरर दे रहा था आई थिंक ये, इंसर्ट इनटू डिटेल। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं इंसर्ट हुई कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डिटेल, हुई नहीं, हुई हुई नहीं, वो भी इंसर्ट बेटा। इसको एक बार मैं इस तरीके से डाल के देखता हूं, इंसर्ट इनटू स्टू डिटेल वैल्यूज, ओके यहाँ पे मिस्टेक है मेरी, मेरे को पता लग गई। रोहित के एक तरफ मैंने क्या डाला है, सिंगल इन्वर्टर, एक तरफ डबल इन्वर्टर। डेट के लिए भी इनकरेक्ट वैल्यू बोल रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई थिंक ये फॉर्मेट उठाएगा ये, एक मिनट बेटा। फॉर्मेट गलत है हमारा, फिर मंथ आएगा और फिर डेट आएगी। पहले ईयर, अलग अलग डेटाबेस अलग अलग उठा लेते हैं बेटा। जी अब ठीक है बेटा, तो फॉर्मेट क्या है, YYYY, ईयर देन मंथ देन डे। तो अब यहाँ पे चला के देखते हैं हम अपनी सिलेक्ट वाली क्वेरी। तो देखिए ये एक रिकॉर्ड जो है हमारा इंसर्ट हो चुका है, इसी तरीके से हम एक और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। मनीष कुमार नेम है, राहुल, ये नया काम शुरू हो गया बेटा अब यहाँ से, एंड मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, बाकी सारा सेम रहने देते हैं। एक रो और ऐड हो गई, चेक करो, देखिए दो रोज आ गई आपकी। यहाँ तक सभी को क्लियर है, रेज योर हैंड।
ओके, तो एक दो रिकॉर्ड और हमें इंसर्ट करने पड़ेंगे सो दैट हम आगे वाली क्वेरी जो है उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। और गगन गोयल अब देखते हैं कितने रिकॉर्ड हो चुके हैं। देयर आर फोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इनके ऊपर हम अपनी अपनी अलग अलग क्वेरीज लगाते हैं। जैसे सेलेक्ट की क्वेरीज में हम वेयर कमांड लगा लेते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट नेम एंड नेम कॉमा सॉरी नेम कॉमा मोबाइल ही हमारा फ्रॉम टू डिटेल वेयर नेम इक्वल नेम इक्वल रो रोहित नेम इक्वल रोहित। तो देखिए दो कॉलम आए कौन सा नेम और मोबाइल नंबर जिनमें क्या है जिसका नाम रोहित था वो आया है ना। अगर आप यहाँ पे वेयर नेम लाइक वाली क्वेरी यूज कर लोगे नेम लाइक परसेंट ए परसेंट तो ये क्या देगा जिसके नाम में ए कहीं पे भी आ रहा है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। वेयर लाइक नहीं नेम लाइक बेटा नेम लाइक जी। तो देखिए दो बच्चे थे जिनके नाम में रीत में भी नहीं आ रहा था और दूसरा नाम जो था उसमें भी नहीं आ रहा था राहुल और गगन में कहीं ना कहीं ए था इसलिए इसने डिस्प्ले कर दिया। क्लियर। अगर आप ये चाहते हो कि एग्जैक्ट मेरे को तीन नाम वाला नाम शो हो जिसके नाम क्या है तीन है तो मैंने तीन अंडरस्कोर डाल दिए और यहाँ पे देखिए रीत है ऐसा बच्चा है जिनके नाम क्या है थ्री लेटर वाला है तो थ्री अंडरस्कोर डाले तो आपका जो वो डाटा शो हुआ जो थ्री वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने इसके अलावा यही फॉलो करना है वेयर डेट सॉरी डीओबी बिटवीन किसके बीच में हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी रेंज है हमारे पास 22/2 से लेके 2010 है 22/2 से लेके 22/4 तक कर लेते हैं बिटवीन सेम ही देना पड़ेगा 2010 से लेके 02 और ये 22 मैंने दिया एंड 2010 04 22 ही कर दिया यहाँ पे। इन्वर्टेड कॉमास में इसको रखना है बेटा। देखिए वो डेट ऑफ बर्थ आई जिनकी क्या है देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2010/6/2010 बिटवीन वाली क्लाउज एनालाइज कीजिए जिसका मंथ क्या है 2 तो नीचे वाले रीत और गगन ही दो बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसमें लाई करती है तो ये अपर और लोअर लो इक्वल टू को भी लेके आती है बेटा। देखिए 22/2/2010 है तो ऊपर भी सेम डेट है ना तो मतलब कि इक्वालिटी को भी ये फॉलो करती है इक्वालिटी को भी ये फॉलो करती है। क्लियर हुआ बेटा इतना रेज योर हैंड।
जी, तो इंसर्ट वाली जितनी भी क्वेरीज हैं आप यहाँ पे इन वाली भी लगा सकते हैं, वेयर रोल नंबर इन 1, 2। तो जिसका रोल नंबर 1 और 2 है इसका अल्टरनेट सेम आपको देगा, वेयर रोल नंबर इक्वल 1 और रोल नंबर इक्वल 2। ये भी ऊपर वाली क्वेरी का ही अल्टरनेट है। आप इन भी यूज कर सकते हो और भी यूज कर सकते हो, क्लियर है? दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब बात आती है, एक बार हम सिलेक्ट करवा लेते हैं, रिकॉर्ड बहुत ऊपर चले गए, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। यहां से मैंने क्या करना है, अब अपडेट करना है, रोहित को रोहित सिंगला बनाना है। तो अपडेट, अपडेट किसको अपडेट करना है, टू डिटेल, अपडेट टू डिटेल, सेट, सेट क्या करना है, नेम इक्वल, नेम क्या देना है, रोहित सिंगला, रोहित सिंगला, वेयर नेम इक्वल रोहित, रोहित तो बहुत सारे हो सकते हैं, एंड यहां आप क्लास से डिफरेंशिएट कर सकते हो, एंड रोल नंबर इक्वल 1। तो मैंने इस क्वेरी के अकॉर्डिंग किया है, चेक करते हैं, 1 row affected, तो सिलेक्ट करके देखते हैं, देखिए रोहित का क्या बन गया, रोहित सिंगला बन गया, क्लियर? एक बार फिर से अपडेट करते हैं, रीत का नाम रीत गर्ग है या रीत के पापा का नाम पुखराज नहीं है, पंकज कुमार है, तो वो हम करते हैं, फादर नेम चेंज करते हैं, तो क्या रिकॉर्ड था यहाँ पे, क्या बनता था, अपडेट, अपडेट क्या क्वेरी थी, अपडेट टू डिटेल, डिटेल सेट करना है क्या, फादर नेम, फादर नेम चेंज करना है ना, सेट फादर नेम इक्वल क्या करना है, पंकज, पंकज क्या करना है, पंकज कुमार, पंकज कुमार करना है, वेयर नेम मतलब कि स्टूडेंट का नेम इक्वल रीत, रीत है जिसका नाम। अब चेक करते हैं कि हो गया फैक्ट, यस, देखिए पंकज कुमार हो गया, ऊपर पुखराज कुमार था रीत के फादर का नाम, अब हो गया पंकज कुमार। इस तरीके से आप मोबाइल नंबर चेंज करते हैं। चलिए एक और क्वेरी लेते हैं, अपडेट करना है मोबाइल नंबर, अपडेट टू डिटेल, टू डिटेल सेट मोबाइल इक्वल, मोबाइल इक्वल वेयर केयर था, सेमीकोलन में देना पड़ेगा ये वाला, वेयर रोल नंबर इक्वल 3। चेक करते हैं कि अपडेट हुआ, पहले था 9444, अब क्या हो गया, देखो 9815925959 हो गया ना, रीत का मोबाइल नंबर अपडेट। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट इंसर्ट, सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, रह गया क्या, एक रह गया जो डाटा डेफिनेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज की एक क्वेरी रहेगी, डिलीट करना। डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टू डिटेल, डिलीट फ्रॉम टू डिटेल वेयर नेम इक्वल रीत, रीत नेम है तो सेमीकोलन में डाला। चेक करते हैं, देखिए रीत डिलीट हो चुका है, रीत जो है नाम डिलीट हो चुका है, क्लियर हुआ? कोई डाउट है रेज योर हैंड। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, एनीवन, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, किसी क्वेरी में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। अर्शदीप, नवजोत, एनी डाउट बेटा, परमप्रीत, रवनीत, सलोनी। चलिए देखिए हमारी जो डेटा
मैनिपुलेशन की, मतलब सिलेक्ट डिलीट अपडेट, और जो सिलेक्ट डिलीट अपडेट और कौन सी थी इंसर्ट वाली, चारों क्वेरी हो गई। और जो डाटा डेफिनेशन की थी उसमें हमने सिर्फ क्रिएट की थी, तो क्रिएट के बाद हमारे पास आती है अल्टर और ड्रॉप। तो हम टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अभी यहाँ पे टेबल ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप टेबल टू डिटेल, ये लगा के सेमीकोलन लगा के अगर आप एंटर करते हो तो आपका टेबल जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम, मैं अभी इसको डिलीट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे शो डेटाबेस करके कल वाला खोलता हूँ, उसको डिलीट करके दिखाता हूँ। शो डेटाबेस यूज माई स्टू, ये हमने कल यूज किया था, यूज माई स्टू शो टेबल्स। तो ये स्टू डिटेल है, ड्रॉप टेबल स्टू अंडरस्कोर डिटेल, ये था मेरा किसके अंदर। तो देखिए अब मैं शो टेबल करूंगा तो कोई एम्प्टी सेट, मतलब कि कोई नहीं था, पहले दिखाई दे रहा था, क्लियर है। शो डेटाबेस करता हूं मैं, नया डेटाबेस अपना जो आज बनाया उसको चेंज करता हूं, यूज माई स्टू, तो आज ही किया था, माई डीबी करते हैं, माई यू माई डीबी, शो टेबल्स टू डिटेल्स ही इसमें बनाया हुआ था कल, दोनों सेम टेबल बनाए आज और कल। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार, डिस्क्राइब टू डिटेल्स, तो ये रहा टू डिटेल्स का टेबल। अब मैं इसमें रोल नंबर को, रोल अंडरस्कोर या स्टूडेंट नेम कंप्लीट लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल टू टू अंडरस्कोर डिटेल डिटेल्स, ऐड करना है एक कॉलम, ऐड आधार कार्ड, आधार कार्ड वेयर केयर 12 अफेक्ट हुई, चेक करते हैं, अब डिस्क्राइब करते हैं, देखिए ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क है, एक आधार कार्ड नाम का कॉलम जो है ऐड हो चुका है इसमें, क्लियर है। पहले कितनी रो थी, 5 रो थी, अब कितनी है। अगर आधार कार्ड वाले का और कोई चेंजेस करने हैं, जैसे रोल नंबर की स्पेलिंग चेंज करने हैं, वो सब कुछ हो सकता है, है ना। तो अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है तो, या कोई डाउट है तो बोले, एनी डाउट बेटा, चलिए आज के लिए इतना बहुत है।